दिवाली पर आधा घंटा हनुमान जी के एक मंत्र जाप करने से आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही हनुमान जी महाराज आपको दूत देंगे जो वो आपकी रक्षा करेंगे। आपके घर में अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा है उसका समापन होगा। अगर आपके घर में बरकत नहीं होती है वो बरकत होना शुरू हो जाएगी। दिवाली बहुत बड़ा त्योहार होता है हमारे हिंदू धर्म में, और सबसे ज़्यादा तंत्र क्रिया जो होती है वो दिवाली पर की जाती है। आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ आपको हनुमान जी की साधना आपको 3 दिवसीय या फिर 5 दिवसीय साधना आपको करनी है दिवाली पर। इस साधना के माध्यम से आपके पास हनुमान जी के दूत आएंगे और हनुमान जी महाराज आप पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर के आपके सारी मनोच्छा को जो है पूरा करेंगे, और आपके घर से तंत्र क्रिया अगर किसी ने कराई हुई हो उसको हटाएंगे। ये साधना आपको दिवाली पर करनी है। वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ को अच्छे से समझना ताकि बारीकी से सारी वीडियो समझ में आए, सारी बातें आपको समझ में आए। 12 नवंबर 2023 की इस बार दिवाली है, और दिवाली पर अगर कोई भी साधना की जाए, कोई भी मंत्र जाप किए जाए, सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। देखिए, दिवाली पर सबसे ज़्यादा तंत्र क्रिया की जाती है, नेगेटिव ऊर्जाएँ भेजी जाती हैं, घाल छोड़ी जाती है, किसी के ऊपर मारण क्रिया की जाती है या फिर कोई और जो क्रियाएं होती हैं सारी दिवाली पर पूर्ण रूप से जो है सफल होती हैं, जो तांत्रिक लोग भेजते हैं किसी के भी ऊपर। तांत्रिक शमशानी शक्तियों को दीपावली पर सबसे ज़्यादा सिद्ध करते हैं। अपने बचाव के लिए अगर आपको तंत्र क्रिया किसी ने कराई हुई है या फिर कोई भूत प्रेत की समस्या है या फिर बीमारियां घर में है या फिर किसी भी तरह की आपके घर में प्रॉब्लम चली आ रही है, तो आपको इस दिवाली पर हनुमान जी की सात्विक साधना करनी है। अपने मन में पूर्ण भाव रख के, पूर्ण श्रद्धा के भाव रख के हनुमान जी की साधना आपको करनी है दीपावली पर। इस साधना को करने से आपको हनुमान जी अपनी शक्तियों के अलावा आपको दूत भी प्रदान करेंगे जो आपकी नेगेटिव ऊर्जा से रक्षा करेंगे। आइए बात करते हैं अब साधना के बारे में। आपको 10 तारीख से साधना करनी है। शाम के समय आपको 21 माला का मंत्र जाप करना है और संकल्प लेकर के आपको हनुमान जी की ज्योत प्रज्वलित करनी है 10 तारीख की शाम को। और अच्छे से नहा धोकर के, अपने घर में अच्छे से सफाई रख करके आपको हनुमान जी की ज्योत स्थापित कर देनी है। और साथ ही आपको संकल्प लेना है, हाथ में राइट हैंड में आपको चावल लेने हैं, थोड़ा सा जल लेना है, अपना नाम और अपने मम्मी पापा का नाम, अपने घर का नाम, घर की जगह का नाम और शहर का नाम और आपके स्टेट का नाम आपको बता करके जल को धरती पर छोड़ देना है फिंगर की सहायता से। उसके बाद आपको जो मंत्र है वो करना है, 21 माला आपको एक दिन में मंत्र जाप की करनी है। लाल रंग के आसन पे बैठ करके आपको मंत्र जाप करना है और हनुमान जी को सुबह और शाम दोनों टाइम लौंग पतासे का आपको भोग देना है। अंगारी कर लें या फिर कपूर पर आपको भोग देना है सुबह और शाम। बात कर लेते हैं अब आपको मंत्र जाप कौन सा करना है। देखिए, हनुमान जी जो हैं वो श्री रामचंद्र जी के बहुत ही प्रिय हैं, और श्री रामचंद्र जी कभी आप मंत्र जाप कर सकते हैं, जय सिया राम कभी आप मंत्र जाप कर सकते हैं, और आपको ओम नमः शिवाय ओम का भी जाप साथ ही करके चलना है। आपको मंत्र जाप कैसे करना है ये सुनिए आप। देखिए, जैसे आप रुद्राक्ष की माला लोगे उसमें आपको 101 मनी होते हैं, उनका मंत्र जाप आपको करना है। जैसे ही आप पहले मनके को करोगे तो उसमें आपको क्या करना है, ये बोलना है ओम जय सिया राम, उसके बाद ओम नमः शिवाय ओम। ऐसे आपको दो मंत्र एक साथ ही करके चलने हैं दोनों, ये इनकी 21-21 माला आपको करनी है सुबह और शाम। जब आप मंत्र जाप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको अंगारी पे या फिर कपूर पे आपको दो लौंग दो पतासे का भोग देना है। हनुमान जी महाराज को, सीताराम भगवान को और भोलेनाथ को आपको भोग देना है। देखिए, जिन लोगों के गुरु नहीं हैं उनको मैं एक आसान सा उपाय बता दूं। देखिए, भोलेनाथ जो है सृष्टि के सृजनहार हैं और सबके गुरु हैं वो, अगर आप उनको गुरु दीक्षा दे करके आप उनको अपना गुरु बना सकते हैं, और गुरु बनाने के बाद में आप 10 रुपये 11 रुपये आप बाबा को भेंट कर देना, उसके बाद में मंदिर में आप चढ़ाए आना या फिर कुछ खाने का ले जाना या फिर किसी
गरीब को आप दान कर देना उन 11 रुपयों को, और आपको बाबा भोलेनाथ को बोलना है कि हे बाबा, मैं आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, और जो मैं ये मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ, कृपया इनका मुझे पूर्ण लाभ मिले। अपनी मनोकामना के बारे में बाबा भोलेनाथ को आपको बताना है, और उसके बाद आपको मंत्र जाप शुरू करने हैं। दिवाली बहुत ही बड़ा त्यौहार है, इसमें तंत्र क्रियाओं का बहुत ही ज़्यादा आवागमन रहता है हर किसी के घर में। ये देखो आप, हर किसी के घर में आपको तंत्र क्रिया द्वारा बीमारी देखने को मिलेगी दिवाली के बाद में, या दिवाली से पहले किसी की डेथ हो जाएगी, या तो दिवाली से पहले ही होना शुरू हो जाएगी, या फिर दिवाली के बहुत बाद तक रहेगी, और बीमारियों का इतना ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा दिवाली पर या दिवाली के बाद भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें तंत्र की जाती हैं, तांत्रिकों द्वारा भेजी जाती हैं किसी किसी के घरों पर। जो दुश्मन होते हैं वो छुड़वाते हैं अपने दुश्मन के ऊपर, और तंत्र क्रिया कभी वापस नहीं मुड़ करके आती है, क्योंकि तांत्रिक जो लोग होते हैं वो शमशानी शक्तियों को सिद्ध करके रखते हैं, जिनसे वो कार्य करवाते हैं गलत सलत भोग दे करके। अपने परिवार को और अपने आप को सुरक्षित रख के आपको इस कार्य को करना है, ताकि आपके ऊपर कोई दुश्मन कोई क्रिया ना करवा दे, कोई तंत्र क्रिया आपके घर पे ना हो जाए। अगर हो भी तो उसका तुरंत ही हनुमान जी महाराज निवारण कर दें, उसको काट दें, आपके घर में वो एंटर ना करें। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट करें, और अपने मित्रों भाई बहनों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और कल फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय माता की, जय माता की, हर हर महादेव।